नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं दीपक कुमार तिवारी। प्रस्तुत है पब्लिक न्यूज टीवी पर बिहार की खास खबरें। इधर बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा और वृक्षारोपण किया। उन्होंने पर्यावरण संतुलन के लिए अति आवश्यक बताया। राजधानी वाटिका 2 में पीपल वृक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षा सूत्र बांधा। रक्षा बंधन है, सबसे बड़ा आप सब लोगों को बधाई है। भारत से हम लोगों ने बिहार में वृक्ष रक्षा दिवस के रूप में इसको मनाना शुरू किया। जैसे सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं भाई, उसी तरह से हम सब लोगों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ 2012 से ही हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी कि आज के दिन वृक्ष रक्षा दिवस मनाना चाहिए। उसी सिलसिले में हम लोग आगे ये काम करते हैं जो आप लोग हर बार देखते हैं। तो इस अवसर पर एक बात का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम लोगों को एक तो वृक्षारोपण करना है और उसकी रक्षा करनी, सुरक्षित रखना, ताकि जितना ज्यादा पर्यावरण की रक्षा हो सकेगी, ये सबको पता है। इसलिए आप जानते हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं। शुरू से ही क्या काम किया, आप तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कर रहे हैं, तो सब तरह से ये काम करके एक माहौल अच्छा बनना चाहिए, हरियाली का माहौल बनना चाहिए, और ये सब के हित में होगा। और नई पीढ़ी को इसके बारे में पूरे तौर पर जो समझ हो रही है उसके चलते आगे का दिन और सुरक्षित रहे। कल्याण सिंह निधन हो गया, उसके उनके से तो हम लोगों का पहले का ही संबंध रहा। उनके निधन पर कल ही जो सूचना मिली है तो हमने अपना शोक संदेश प्रकट किया। उनकी तबीयत इधर बार बार खबर आ रही थी तबीयत के बारे में लेकर के, लेकिन वो चले गए, ये दुख की घड़ी है। मोतिहारी में पूर्व मंत्री सह विधायक ने सीताराम सरोवर तरण तालाब का आज उद्घाटन किया। जल जीवन हरियाली हो, धरती पर खुशहाली हो, डीएम ने यह नारा दिया। मोतिहारी जिले के पकरी दयाल अनुमंडल मुख्यालय परिसर में इसकी शुरुआत की गई। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के भिरखी नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि भिरखी मुसहरी निवासी शिवो ऋषि देव स्नान करने के लिए नदी में गया था। इसी दौरान अचानक गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद अंचलाधिकारी योगेंद्र दास मौके पर पहुंचे। एक व्यक्ति, मुझे सूचना मिली कि व्यक्ति डूब गया है, तो स्पॉट पर हम आए हैं। यहाँ व्यक्ति का नाम शिको ऋषि देव है। इधर रोहतास जिले के करहगढ़ से खबर आ रही है, जहां पिपरा गांव में नाली का पानी बहाने को लेकर हिंसक विवाद की घटना हुई है। दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान यहां गोलीबारी की भी घटना हुई है। गोली लगने से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। सासाराम सदर अस्पताल में जख्मी को भर्ती कराया गया है, जबकि स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है। पेशेंट का कंडीशन अभी स्टेबल है, लेकिन वो किसी समय भी गंभीर हो सकता है। यहाँ उसको लगा हुआ है गोली, तो पेशेंट रेफर किया है पीएससी से। मैंने अभी स्टार्ट इसका ट्रीटमेंट कर दिया है, जांच पड़ताल करा रहे हैं। गंभीर गोली लगी हुई है, कितना हाल हुआ है उसको बिना इन्वेस्टिगेशन का पता नहीं चलेगा। इधर नालंदा से खबर आ रही है, जहां रहुई थाना क्षेत्र के इलाके के रहुई बाजार में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पिता एवं पुत्र में विवाद चल रहा था। पिछले 5 दिनों से जमीन पर मार्केट बनाने को लेकर दोनों में विवाद था। मारपीट के कारण पिता रंजीत यादव बुरी तरीके से जख्मी हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बना के लड़की किए थे, 5-6 रोज पहले लड़ाई झगड़ा घर में। अच्छा, ओकर बाद तबियत खराब हुआ है, तो जीवन धारा हॉस्पिटल में अच्छी देखावे आए, 2 रोज भर्ती रहे, ओकर बाद डेट कर गए। और तुम्हारे लड़ाई कहाँ लगी हुआ था, क्या हुआ था? बातें बेटा आए बात बेटा। इधर बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा में रविवार की सुबह झाड़ी से एक युवक की लाश मिली है, जिसके बाद यहां सनसनी फैल गई। युवक की पहचान ईएसआईसी हॉस्पिटल के इलेक्ट्रीशियन वरुण के रूप में की गई है। आपको बता दें कि बिहार में पुलिस को अपराधियों से लगातार चुनौती मिल रही है। बिहटा में 2 दिनों में 4 की हत्या की खबर सामने आई है।
मुजफ्फरपुर जिले के किसानों का साल 2019-2020 के रबी फसल एवं 2020-21 के खरीफ फसलों में रैयत किसानों के द्वारा कराए गए फसल बीमा को स्वीकृत करने के संबंध में मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के सचिव को पत्र लिखा है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। बंदरा प्रखंड से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के तेपरी बांध के किनारे मिली शव का अंतिम संस्कार हत्थाओपी की पुलिस ने करा दिया है। हत्थाओपी के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम अख्तर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नदी से पिछले दिनों शव बरामद की गई थी जो अज्ञात थी। शव मिलने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की गई है। इधर जमुई में कोरोना गाइडलाइन का प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई के प्रभारी को जानकारी नहीं है, इस तरह का मामला सामने आया है। बिना मास्क के स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे, सामाजिक दूरी का नहीं कराया जा रहा है यहां अनुपालन, संभावित तीसरी लहर से बेखौफ हैं स्कूल के प्रभारी। प्लस टू उच्च विद्यालय जमुई में फॉर्म भरने के लिए छात्र छात्राओं की भीड़ लगी रहती है और इस बीच कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किए जाने से कई तरह की आशंका बढ़ती जा रही है। गायघाट प्रखंड के जाता पंचायत के गगराहा गांव में वार्ड संख्या 10 के लोगों को अब तक पंचवर्षीय पंचायती राज के समाप्ति के बाद भी नल जल योजना का लाभ नहीं मिल सका है। यह अलग बात है कि कागजी रूप से यहां नल जल योजना का काम करा लिए गए हैं, लेकिन इस वार्ड के लोगों को अभी भी नल जल योजना का पानी नसीब नहीं हो सका है, जिसके कारण से यहाँ परेशानी बढ़ती जा रही है। पानी सर नलका में नहीं जाता है, 2 साल से नलका लग गया, मुखिया खा गया पैसा, नलका कैसे चलेगा, बंदरा प्रखंड के चांदपुरा ठाकुरबाड़ी परिसर में नवाह यज्ञ की शुरुआत की गई है, जहां श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना शुरू है। आयोजकों का बताना है कि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए यहां नवाह यज्ञ की शुरुआत कराई गई है। प्रत्येक साल यहां रक्षाबंधन से एक दिन पहले इसकी शुरुआत होती है जो कृष्णाष्टमी तक चलती है। आयोजकों का बताना है कि कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए अब की बार यहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।